नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ देसी जुगाड़ टेक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक, आप लोग देख रहे हैं देसी जुगाड़ टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनआरसी के बारे में। ठीक है, एनआरसी आप लोग अभी सुने होंगे सब लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो 1951 में बनाया गया था ओनली फॉर असम के लिए, असम स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में है उसके लिए ये रूल्स बनाया गया था। तो ये क्या है उसका बारे में डिटेल में थोड़ा मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि इसको बनाया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में इसको बनाया गया था असम के लिए। बट एनआरसी को जब एक रूल्स लाया गया 2014-16 में, उसमें बोला गया है कि जो लोग असम का पहले से असम में रहते हैं उन लोगों को एक एनआरसी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के लिए। लेकिन उसमें एक नया रूल्स लाया गया जिसमें बोला गया कि 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 तक जो लोग असम में आए हैं वो लोग को एक फॉरेन, जो इंडियन गवर्नमेंट का FRRO जो है, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके उनको उनका नाम लिखवाना है और उनको कुछ ना कुछ प्रूफ देना है कि वो 1971 का पहले जब वो असम में रहते थे उनका वहाँ का कोई रेसिडेंशियल प्रूफ देना ज़रूरी है, तब जाके उनको एनआरसी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं असम का, अगर आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं असम का दोनों तीनों तरफ जो कंट्री है, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है और भूटान है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि उसी टाइम बांग्लादेश जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का भाग हुआ था 1971 में। तो उसी टाइम क्या हुआ, बहुत लोग बांग्लादेश छोड़ के आसाम आने का सोच रहे थे या आए भी है। तो ठीक है, वो सबको रोक कर ये ढूंढने के लिए या सबको फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स लाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हुआ कि आप जो लोग ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके लिए जो 2016 से जो एनआरसी काम कर रहा था उसका रिजल्ट आया अभी जुलाई 2018 में, 30 जुलाई को, कल आप लोग सुने होंगे सब लोग। तो जो जहाँ पे वो लोग लिस्ट में फाइंड आउट किए कि लगभग 39,900 समथिंग कुछ है या 40 लाख का आसपास है जो लोग का रजिस्ट्रेशन वो लोग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का पास कुछ प्रूफ नहीं है कि वो लोग 1971 का पहले जो असम में रहते थे या उनका फैमिली वहाँ पे बॉर्न ऑफ बॉर्डर है, उसके लिए ये है एनआरसी का बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा डिटेल, और अगर आपको इसके बारे में पता था तो ठीक है, जिनको पता नहीं है उनका साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता लगे इसके बारे में। और दोस्तों, अच्छा उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ऐसा कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल में देख जानने के लिए।